Hello everyone, hi, good evening and most welcome to the channel of Physichem Academy. This is Divya Agarwal. So, start karte hain aaj ka show. So, this is basically jo topic hai guys, wo hai question bank, okay? Yes, question bank and just give me 1 minute. Okay. सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 6 आई सपोज. येस ओके. तो हम लोग क्या करने वाले हैं गाइज, वही कैरथर के क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट जो हमारा सीरी है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज जो क्वेश्चन हम करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स. ओके, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स. सो वी जस्ट हैव टू कंसिडर, वी जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर दिस, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स. ओके, एंड ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स में जिस रिएजेंट को हम जनरली देख रहे हैं यहाँ पे, वो है ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट. ओके, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 ही है फ्रॉम कैरथर्स. ओके, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम कैरथर्स, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं एट प्रेजेंट यहाँ पर. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, सब आ गए मेरे साथ में, कोई बचा हुआ तो नहीं है? यस, अश्लेषा प्रत्यक्ष स्वयं नुपुर कृष्णा रघु सुमित अजीत. ओके फाइन, तो चलो ठीक है. सो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस, हाउ हाउ थिंग्स वर्क. ओके, तो जो आपका क्वेश्चन है गाइज, अगेन यू विल बी गेटिंग दिस PDF इन योर द चैनल, दैट इज टेलीग्राम चैनल दिव्या. बट फिर भी आप लिखना जरूर, ठीक है? जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा. एक और बात अपडेट है गाइज, जो हमारा सेशन है नेक्स्ट सेशन, दैट इज चिट चैट विद दिव्या अग्रवाल, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं जो भी जिससे भी रिलेटेड, वो आप मुझको मिलेंगे अन अकेडमी पे. टाइम है उसका 9:10 PM. ओके, आफ्टर दिस क्लास, डायरेक्ट आफ्टर दिस क्लास. सो आई बी टेकिंग दिस सेशन ऑफ अराउंड 20 मिनट्स. ओके, तो 20 मिनट्स में कोशिश करते हैं कम से कम 5 क्वेश्चन तो करेंगे, लेट अस सी. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. ओके, सो देखिए व्हाट विल हैपन, बेसिकली क्या होने वाला है गाइस, जो हमारा ये वाला रिएजेंट है, देखो दिस इज बेसिकली ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMGX. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, यू नो दैट द C6H13, दिस इज अ नेगेटिव साइट विद मैग्नीशियम हैविंग 1 पॉजिटिव साइट. तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. यस, दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करने वाला है, अटैक करेगा. किस साइट पे करेगा, ऑफ कोर्स ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट है. देखो अगर आप इसकी बात करते हो, इफ यू जस्ट ओपन इट देन यू विल फाइंड COOME. ओके, और अगर आप इसकी बात करोगे तो दिस इज बेसिकली ये आपका एस्टर है, दिस इज एस्टर एंड दिस वन इज कीटोन. इज दैट क्लियर? ये आपका नीचे वाला कीटोन है, ऊपर वाला एस्टर है. तो बेसिकली क्या होने वाला है, जो ये ग्रिगनार्ड है वो इस साइट को अटैक करेगा. एंड यू नो दिस पार्ट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा वंस यू जस्ट प्रोवाइडेड विद एनी प्रोटोन और समथिंग. ओके, तो बस हम डायरेक्ट ही कर देंगे विदाउट यू नो ज़्यादा बड़ा मैकेनिज्म लिखने का हमें जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट, बिकॉज क्वेश्चन एकदम क्लियर कट है. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से आपको अपना मैकेनिज्म करते हुए प्रोडक्ट बनाना है. तो इस चीज़ को आप इधर अटैक करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, फिर वापस नीचे आएगा, एंड ये वाला पार्ट विल गेट एलिमिनेटेड. तो ऐसा होने के बाद में यू विल गेट डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पे इसके साथ में आपको मिलेगा C6N C6H13. सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको सिंपल चेन में बना सकते हो या फिर आप ऐसी NC6H13 लिख दो. C6 नॉर्मल, C6H13 इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6. ओके, दिस इज इट. ओके, नॉर्मल चेन है ये, आप चाहे तो ऐसे बना सकते, दैट्स ऑल अप टू यू. इसको हम कोलिनकोविच रिएक्शन भी कहते हैं, अगर हम जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसको टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो, बट दैट नीड नॉट टू राइट. ओके,
दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं. किसी को इश्यू नहीं है यहाँ तक? नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट. ओके, अगले सवाल पे आ जाते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वो इस तरह से है. दैट इज, हमने ये 5 मेंबर की रिंग ली हुई है और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है. इसको अगर आप ट्रीट करोगे तो सबसे पहले वी हैव समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे वी हैव मैग्नीशियम ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेज में, एंड सेकेंड स्टेज में वी हैव कॉपर आयोडाइड एंड देन TMSCl, दैट इज ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड. थर्ड स्टेज नीड नॉट टू राइट, जस्ट THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, HMP, दैट इज हम्पा, दैट इज अ बेस. ओके, एंड टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब इट्स मैंशन दैट द प्रोडक्ट विल बी 89% ऑफ जीरो. ऑल्दो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन कैरेथर्स से हैं तो वो थोड़ा सा डिटेल में इस तरह से देता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस. ठीक है, ओके, ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. चलिए, सो यू, आपने इसको पहचान लिया होगा गाइस, कॉपर आयोडाइड है एंड ग्रिगनार्ड है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट बनाते हैं. एंड आपको पता है जो गिलमैन्स रिएजेंट होता है, रिएजेंट, ओके, वो बेसिकली क्या करता है, 1,4 अटैक करता है. एंड यू नो दिस इज 1,2,3 एंड देन 4. तो ये वाला जो आपका पोर्शन है मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमाइड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेसिकली वहाँ पे अटैक करेगा. ओके, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये चीज़ इस तरह से मूव करेगी. तो ऐसा करने के बाद में यहाँ पे आपको इस तरह से उसके साथ मैच मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग द ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ठीक है, अब आप चाहो तो इसको प्रोटोनेट कर सकते हो, सो दैट टॉटोमराइज. ये आपका इनोल पार्ट है. अब इससे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे कीटोन आप बनाओगे, आप समझ रहे हो. सो यू जस्ट हैव टू मेक प्रोडक्ट इन दिस मैनर. ओके, सो दिस इज योर अल्टीमेट प्रोडक्ट. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर एंड देर इज नो इशू एज सच. इफ दिस इज क्लियर, प्लीज टू लेट मी नो. इफ देर इज एनी इशू, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क. ओके, और टाइम बताते जाना. एंड जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ओके, इफ दे वांट, एंड दे कैन शेयर ऑल्सो विद देयर फ्रेंड्स. चलिए, नाउ लेट मी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. या तो थर्ड क्वेश्चन गोज लाइक दिस. दीज क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज. अगर आप इनको छोड़ रहे हो तो बहुत ही गलत बात है, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? बिकॉज अगर आप आते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कभी भी मैं लिंक्स ना सेंड करूं और आपको नोटिफिकेशन ही ना आए, है ना. इसलिए इट्स बेटर कि आपको सेल्फ नोटिफिकेशन आता रहे. देखो, इसको आपने PHMGBr दिया है, कॉपर ब्रोमाइड एंड दिस, तो ये अगेन इट इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज गिलमैन्स रिएजन. एंड यू नो इट वेरी वेल दैट ग्रिगनार्ड गिलमैन्स रिएजन क्या करता है, 1,4 अटैक करता है, 1,2,3,4. तो जो आपका pH है गाइस, ओके, ग्रिगनार्ड में वी हैव PHMGBr ना, तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो वॉट विल हैपन, वी हैव pH- एंड ये चीज़ क्या करेगी, इसको अटैक करेगी, ये बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा आपका, आप समझ रहे हो. सो वी हैव pH ओवर हियर, तो वो नेगेटिव चार्ज नीचे मूव करेगा और वो H+ को एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसा होने के बाद में यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर प्रोडक्ट एंड आई थिंक किसी को इश्यू नहीं होगा.
यहाँ तक, ठीक है? फिर हम करेंगे ऑर्गेनो जिंक के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट यू सॉल्व दिस फास्ट फास्ट। रेफोमेथ्स का रिएक्शन का नाम तो जानते ही हो आप शायद। हम क्या उत्तर में कौन सा चैप्टर है ये? दिस इज चैप्टर नंबर वन। बाहर उसको देखो जरा, विकास क्या बोलते हैं थंबनेल को, ओके? और थंबनेल में आपको दिखाई देगा कि ये आपका कौन सा चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर वन। यस दीप्त मैं ये मैं सोच रही हूँ, मुझे 20 के मिनिमम चाहिए 2-3 महीने में। यू सपोर्ट इन दैट। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो बेसिकली क्या होने वाला, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट मी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे वो है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट्स, ओके? एंड गाइज ये भी आपका कैरेथर के चैप्टर नंबर वन का ही पोर्शन है, ओके? तो इसमें बेसिकली रिफॉर्मेट्स का है एंड रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली होंगे। तो डिस्पाइट ऑफ डीलिंग इट, यू नो, मैं आपको रिफॉर्मेट्स का बताऊँ या कुछ कुछ, वो हमने सब पढ़ा हुआ है। आई एल बी डायरेक्टली डीलिंग विद द क्वेश्चन एंड आई एल बी सॉल्विंग इट फॉर यू एंड यू जस्ट, आप देखना कि क्या आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो कहीं पे पी एच एच लिखा है तो ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज बेंजीन, ओके? तो इसको नहीं आप यूज़ कर लेना एज अ रिएजेंट और समथिंग। दिस इज बेसिकली इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट ओनली, बिकॉज जब आपके रिएक्टेंट्स को आप रिएजेंट देते हो तो हवा में तो रिएक्शन होती नहीं है, उसको कुछ मीडियम मीडियम चाहिए ताकि वो यू नो आराम से डिजोल्व हो सके चीज़ों में, आप समझ रहे हो? तो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो आप ना? चलो सो या यू कैन ट्राई इफ यू वॉन्ट टू। चलो तो देखो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, सी वी हैव जिंक ओवर हियर। सो अगर आपको रिफॉर्मेट्स का याद है तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जिंक जाके इंसर्ट हो जाएगा, यस, और आपको एक एनायन बना के देगा। तो डायरेक्टली लेट मी राइट इट दिस वे, ओके? यहाँ पे मेरा मिथाइल है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, दिस इज ट्रांसमेटलेशन भी कहते हैं हम इसको, यहाँ पे मेटल जाके एकदम यू नो इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो मेटल है ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये वाला साइट काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करने वाला है। सो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। सो नाउ वी हैव पी एच सी डबल बॉन्ड एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव हाइड्रोजन ओवर हियर, सो वी विल बी गेटिंग सी एच थ्री ओवर हियर अलॉन्ग विद दैट सी ओ ओ एम ई एंड यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना है वो फर्दर मोर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस तरह से आपको अटैक करेगा और फिर आपको देगा पी एच सी डबल बॉन्ड, आई एम सॉरी, पी एच सी ओ के साथ में एच एच एंड देन सी एच के साथ में यहाँ पे सी एच थ्री अलॉन्ग विद दैट यू विल बी हैविंग सी डबल ओ डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ एम ई, ओके? नाउ अगर इसमें यू नो हीट दी होती या कुछ कुछ दिया होता तो यहाँ पे से ये पानी भी निकल जाता, बट अभी ऐसा आगे नहीं दिया है कुछ तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। इसमें एक बात नोट वर्दी है, इसमें सिन एंड एन टी दो प्रोडक्ट मिलते हैं और जो सिन है वो 63:37 का ये रेशियो है। ये रेशियो याद नहीं करना है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस पार्ट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
Now let me write next question for you all, and here we go. इसे भी यहाँ तक इश्यू नहीं है, आगे चलूं। ओके इसको हम प्रोवाइड करेंगे जिंक ओ टी एफ होल ट्वाइस। ओके दिस इज अ सॉल्ट बेसिकली, पी एच एम ई मतलब टॉलवीन एज अ सॉल्वेंट। ओके टॉलवीन यू नो इट वेरी वेल, दिस इज टॉलवीन। ओके मिथाइल बेंजीन एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडेड विद बेस। ओके ट्राइथाइल अमीन एंड अलॉन्ग विद दैट टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 60 डिग्री सी। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वॉट शुड बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली ईजी। यहाँ पे आपको बेस दिया है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा। आप एक्चुअली इन सबको देख के घबराना नहीं है ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या रिएक्शन दिया, जस्ट हैव टू डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जनरली, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में वी हैव एल्डिहाइड। ओके एंड अलॉन्ग विद दैट लाइक दिस वी हैव ओके ओ एस आई एम ई टू एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज फिर फर्दर मोर यू नो दैट दिस इज यू नो पार्शियल पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली वो जो पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट है उसको अटैक करेगा इस तरह से, और आपको मिलेगा इस तरह से कुछ क्वेश्चन। ओ के साथ में आ जाएगा एच, फिर है आपके पास में सी ट्रिपल बॉन्ड सी देन ओ एस आई एम ई टू एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल। ओके अब इस तरह से आपने बनाया है गाइस, तो ओ एच तो है ही यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट राइट द स्टीरियो, ऑल दो इट्स अप टू यू, इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन, अदरवाइज लीव। ओके यस एल्काइन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, वेरी ट्रू मिस्टर राकेश। क्लियर है, किसी को इशू तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे चलते फिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेसिकली इसमें सिंपल है, वैसे डायरेक्टली बता देती हूँ मैं आपको। पी एच सी एच ओ, और इसमें इस तरह से कुछ दिया हुआ है एम ई एंड टेन ट्राइब्यूटाइल, टेन का एक सब्स्टिट्यूएंट साथ में है, टेम्परेचर गिवन है। तो क्या होगा, क्या होगा, ऑफकोर्स ये वाला जो पार्ट है ओके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ अटैक करेगा। ओके सो इस तरह से कुछ हो जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में एच है यहाँ पर, तो ये वाला जो पोर्शन है मतलब ये जो कार्बन है आपका, वो बेसिकली यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपको मिलेगा पी एच सी उसके साथ में ओ एच देन कार्बन देन वन मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देन उसके साथ में सी एच थ्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाया, और कहीं पे मिथाइल ग्रुप भी है। जी हाँ, कहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक्चुअली इसमें दो तरह से हो सकता है गाइस, ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व किया हुआ है बुक में। ओके इसको डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ इलैबोरेट करके कैसे बताया हुआ है, जस्ट लेट मी रेज दिस पार्ट। ओके तो इसमें कॉन्जुगेट अटैक दिया हुआ है बेसिकली, तो कॉन्जुगेट अटैक बोले तो ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुए और यहाँ से अटैक किया गया है, आप समझ लो। तो पी एच सी ओ के साथ में एच, यहाँ पे एच देन उसके बाद में कार्बन है, उसके साथ में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देन वन मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके ये चीज आपकी आ गई है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये दो तरह से हो सकता है, ये आपका सिन हो सकता है और ये आपका एंटी हो सकता है, मतलब दीज टू ग्रुप्स दैट इज ओ एच एंड सी एच थ्री कैन बी सिस टू ईच अदर। ठीक है, वो सिस हो सकते हैं, अगर वो सिस होंगे तो उनको हम बोलते हैं सिन, और वो आपके ट्रांस भी हो सकते हैं इस पैटर्न में। ठीक है, तो ट्रांस होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी। तो प्रैक्टिकली एंटी 87% है। ओके
और जो सिन है वो 13% है, एंटी मतलब एक दूसरे के अपोजिट, दैट इज बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस, यू नो इट वेरी वेल। ओके, वैसे प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली ये इसका आंसर है, इज दैट क्लियर। क्लास 1.3 आर की है, नहीं इसके बाद एक और क्लास है ना 9:09 पे, 9:09 पे अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं आपको 2-3 मिनट और पढ़ा रही हूँ बस, ठीक है, फिर आ जाना वहाँ पे। खाना पीना हो गया ना आपका, भूखे तो नहीं हो? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, इनफ है। ओके, उसके बाद फिर हम आपको मिलेंगे अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में। ये एक्चुअली फेंकिन आन मॉडल के बिहाफ पे गाइज, मैंने आपको फेंकिन आन मॉडल समझाया था अगर आपको याद हो तो उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर, हमको लेट हो रही है गाइज नेक्स्ट क्लास में लॉग इन करने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं वो ये आ रहे हैं अकेडमी के ऊपर, August 26 से रिएक्शन मैकेनिज्म, अगस्त नहीं है तो क्या चल रहा है अभी, सेप्टेम्बर आने वाला है ना, यस सेप्टेम्बर से जो आपका ये वाला कोर्स है बेसिकली ना, कहाँ चला गया ये वाला, ठीक है, अगस्त, ये रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये कंटिन्यूड है, और दूसरा आपका ये वाला चल रहा है सितंबर में, ठीक है, और बाकी दो कोर्सेज आ रहे हैं, पहला जो है वो है आपका प्रैक्टिस सेशन ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री, उसका टाइम रहेगा 6:15 पे, और दूसरा क्लास जो होगा वो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होगी, दैट विल बी ऑन द टॉपिक इंटरमीडिएट्स, यस ओके इंटरमीडिएट्स, इसका टाइम भी रहेगा 6:15, तो 17 आवर्स की ये क्लास है, और ये भी 17 आवर्स की क्लास है, बैक टू बैक होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात बतानी थी, हाँ यही बतानी थी, ठीक है, और इसके अलावा जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे, फ्री क्लासेज जितनी भी हैं, उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अपकमिंग कौन सी फ्री क्लास आ रही है, ताकि मैं आपको डेट टाइम सब कुछ दे दूँ अलॉन्ग विद द लिंक्स। ओके, चलिए, फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक।